दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे आप जो कुछ भी अपने मोबाइल में करेंगे वो सब आपके लैपटॉप के बड़े स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, और फिर आपको यहां सेटिंग पर क्लिक करना होगा, जिससे यहां पर विंडो का सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां पर मिलेगा सिस्टम, तो आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पेज खुलेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, तो आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी आ गया है, और नीचे यहाँ पर लिखा है सम विंडोज एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस कैन प्रोजेक्ट टू दिस पीसी व्हेन यू से इट्स ओके। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, अवेलेबल एवरीवेयर ऑन सिक्योर नेटवर्क्स, अवेलेबल एवरीवेयर ऑलवेज ऑफ, तो आपको अवेलेबल एवरीवेयर पर क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पर मिलेगा आस्क टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टाइम ओनली, एवरी टाइम अ कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड, तो आपको फर्स्ट टाइम ओनली पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा है रिक्वायर पिन फॉर पेयरिंग, यानी कि जब भी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल और लैपटॉप पर एक पिन आएगा जो कि आपको दोनों जगह भरना होगा। यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नेवर, यानी कि यदि आप नेवर पर क्लिक करेंगे तो आपको कभी भी वो पिन भरने की जरूरत नहीं होगी। और यदि आप फर्स्ट टाइम पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम में अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको भरना होगा वो पिन। और यदि आप ऑलवेज पर क्लिक करते हैं तो आपको हमेशा भरना होगा, जब भी आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करेंगे तब तब आपको वो पिन भरना होगा दोनों जगह। तो चलिए मैं नेवर पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे मैं अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करूंगा तो मुझे कोई भी पिन भरने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, अब आपको वो मोबाइल लेना है जिसके स्क्रीन को आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे जो कुछ भी आप अपने मोबाइल पर करेंगे वो आपके लैपटॉप के बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आपको अपने मोबाइल में एक सेटिंग करना है, तो चलिए मैं सेटिंग को ओपन करके बता देता हूँ कि आपको क्या सेटिंग करना है। तो सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आपको मिलेगा मोर, तो आपको मोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है वायरलेस डिस्प्ले, तो आपको वायरलेस डिस्प्ले पर क्लिक करना है। जैसे आप वायरलेस डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, कभी कभी यहाँ पर आपको इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इनेबल करना है, और कभी कभी आपको यहाँ पर डायरेक्ट वाईफाई का ऑन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करके वाईफाई को ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक करके वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लैपटॉप का नाम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, यानी कि यह स्क्रीन मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप पर चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कनेक्ट, रेडमी इज़ अटेम्प्टिंग टू प्रोजेक्ट और अलाउ ऑन्स, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन मेरे लैपटॉप पर कनेक्ट होना शुरू हो चुका है, और ये कनेक्ट हो गया है। अब आप जो कुछ भी अपने मोबाइल पर करेंगे वो सब आपके लैपटॉप पर दिखाई देगा। तो इसी प्रकार यदि आप अपने लैपटॉप पर किसी कारणवश आईपीएल मैच को नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, और अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके बड़े स्क्रीन पर आईपीएल मैच देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में एक वीडियो को चलाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे लैपटॉप के बड़े स्क्रीन पर वो वीडियो दिखता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ये वीडियो चल रहा है, और मेरे लैपटॉप के बड़े स्क्रीन पर भी ये वीडियो दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके बड़े स्क्रीन पर आईपीएल मैच को देख सकते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने लैपटॉप से डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑफ़ कर देना है, जिससे कुछ देर में आपके मोबाइल का स्क्रीन आपके लैपटॉप से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लैपटॉप से मेरे मोबाइल का स्क्रीन डिसकनेक्ट हो चुका है।